अगर मैं क्विकली रिवाइज कराऊं तो क्या था कि इवन फंक्शंस में एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर था, और ऑड फंक्शंस में एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स के बराबर था। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ इवन फंक्शंस जो थे वो थे से एक्स स्क्वायर था, कॉस एक्स था, मॉड एक्स था। दीज वर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इवन फंक्शंस एंड फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑड फंक्शंस। जैसे मान लो एक्स क्यूब था, साइन एक्स था, टेन एक्स था, ठीक है, सिग्नम एक्स है। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑड फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एनी फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। कोई भी फंक्शन जैसे मान लो एफ एक्स है, उसको हम लोग सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते थे। उसमें जो ये वाली चीज थी वो उसका इवन कंपोनेंट था, और जो ये वाली चीज थी वो उसका क्या था, ऑड कंपोनेंट था। ओके, और भी दो तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी हम लोगों ने। देखो, सो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन करने से पहले जैसे से मान लो मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ। जैसे एक टेबल है जिसमें एफ एक्स है, फिर इधर जो है जी एक्स है, ठीक है, इधर जो है एफ एक्स प्लस जी एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, इधर जो है एफ एक्स इंटू जी एक्स एक फंक्शन है, और इधर जो है एफ ऑफ जी एक्स एक फंक्शन है। ठीक अब जैसे मान लो एफ एक्स खुद एक इवन फंक्शन है और जी एक्स भी खुद एक इवन फंक्शन है, तो हमको कमेंट करना है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो मैं जैसे एक करके तुमको दिखाता हूं। तो जैसे कि किसी के बारे में भी कमेंट करना हो कि वो क्या होगा, तो उसमें एक्स की जगह क्या कर दो, माइनस एक्स डाल दो। जैसे मान लो मैं इसके बारे में कमेंट करना चाहता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। अब बताओ एफ एक्स खुद एक इवन फंक्शन था, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता, एफ एक्स के बराबर, एंड जी एक्स इज ऑल्सो एन इवन फंक्शन, तो जी ऑफ माइनस एक्स खुद किसके बराबर होता, जी एक्स के बराबर। तो माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी क्या वही फंक्शन आ गया क्या, वही एक्सप्रेशन आ गया क्या जो पहले था? यस स्टूडेंट्स, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एक इवन फंक्शन हो जाएगा। वैसे ही एफ इंटू जी, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स। नाउ सिंस एफ एक्स इज इवन, जी एक्स इज इवन, तो ये एफ एक्स हो गया और ये जी एक्स हो गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स मतलब सेम एक्सप्रेशन बन गया, मतलब ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया हमारा, एक इवन फंक्शन हो गया। फाइनली एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, ऐसे एक्स की जगह माइनस एक्स डालता। अब क्योंकि जी एक्स खुद एक इवन फंक्शन था, तो जी ऑफ माइनस एक्स जी एक्स ही बन जाता, एफ ऑफ जी एक्स मतलब सेम एक्सप्रेशन आ गया जो ओरिजिनल था, जो ओरिजिनल फंक्शन था, मतलब ये इवन बन गया। इतना समझ में आया सबको? बोलो स्टूडेंट्स,
अनम्यूट करो अपने आप को. यस सर, समझा. यस सर, समझा. ओके, थोड़ा इंटरएक्टिव होना चाहिए अपना क्लास. जो चीज ना समझ में आए तो उसमें तुम रोक के पूछो भी कि सर ये नहीं समझ में आए. सो अब दूसरा कॉलम मैं बनाता हूं जिसमें एफ एक्स ऑड है और जी एक्स भी ऑड है, तो तुमको इन तीनों के बारे में बताना है. चलो, सो लेट्स डू इट. एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो मैं क्या करता, मैं यहीं पे ही लिख लेता, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करता, एफ ऑफ माइनस एक्स, जी ऑफ माइनस एक्स. नाउ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर ऑड, तो ये माइनस एफ और ये माइनस जी, मतलब माइनस ऑफ एफ प्लस जी बन गया, मतलब माइनस टाइम्स द ओरिजिनल फंक्शन बन गया. इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ऑड हो गया. ठीक है, इसका क्या आंसर होता, एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स. एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट, माइनस जी एक्स. माइनस माइनस प्लस एफ इंटू जी, मतलब सेम एक्सप्रेशन बन गया. मतलब ये क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया. अच्छा, यहाँ पे f ऑफ g ऑफ माइनस एक्स, तो g ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, क्योंकि ऑड है मतलब माइनस जी एक्स हो जाएगा, और क्योंकि f खुद एक ऑड है तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो ये माइनस f ऑफ g एक्स हो गया, मतलब माइनस टाइम्स द ओरिजिनल फंक्शन बन गया. मतलब ये क्या हो गया, ऑड हो गया. समझे? यस सर. ओके, अब एक और कर लेते हैं इसमें, इसका एक और वेरिएशन, एक इवन हो जाए और दूसरा ऑड हो जाए. एक इवन हो जाए और दूसरा ऑड हो जाए. चलो, सो पहले ये क्या होता है, एफ प्लस जी क्या होता है, बताओ क्या आ रहा होता, एफ एक्स माइनस जी एक्स. एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो एफ क्योंकि इवन है तो वो एफ एक्स ही हो गया, और जी जी क्योंकि ऑड है तो वो माइनस जी एक्स हो गया. तो देखो
ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन क्या ये लोग एग्जैक्टली सेम है क्या? नहीं। अच्छा क्या ये लोग एक दूसरे के माइनस साइंस है? वो भी नहीं है। तो ये वाला जो है वो क्या हो गया, नाइदर इवन नॉर ऑड। ये वाला फंक्शन कैसा हो गया, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, यहां पे मैं देखता हूं तो यहां पे f ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स। f ऑफ माइनस एक्स मतलब क्योंकि f इवन था मतलब एफ एक्स बन गया, और g ऑफ माइनस एक्स मतलब क्योंकि वो ऑड था इसलिए माइनस जी एक्स बन गया। तो मतलब ये क्या बन गया, माइनस ऑफ f इंटू जी मतलब गिवन का माइनस टाइम्स। इट मींस कैसे टाइप का फंक्शन हो गया, ऑड। अच्छा यहां पे देखते f ऑफ g ऑफ माइनस एक्स, तो देखो g तो ऑड है मतलब g ऑफ माइनस एक्स क्या बनता, माइनस जी एक्स। अब f ऑफ माइनस जी एक्स, अब क्योंकि f तो खुद इवन है तो f के अंदर माइनस साइन हो, हाँ माइनस साइन हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो f ऑफ जी एक्स हो गया विच इज इवन। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई वेदर फंक्शंस आर इवन ऑड या नाइदर इवन नॉर ऑड। सो तीन वैरायटी होती है फंक्शंस की, या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है या तो नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो मान लो पहला हम लोग ने एफ एक्स लिखा, पहला पार्ट लिखा एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। चलो इसको करो बच्चों, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। प्रणव, एफ एक्स इज इक्वल टू ऑड एंड जी एक्स इज इक्वल टू इवन, तो वो इसी टाइप में ही कन्वर्ट हो जाता, ऐसे टाइप में जो एक इवन और एक ऑड है। तो सर लेकिन लास्ट में ऑड आएगा ना एफ इनटू जी एक्स में, एफ ऑफ जी एक्स। हाँ सर, उसमें नहीं, उसमें उसमें भी इवन ही आएगा, एफ ऑफ जी एक्स भी इवन ही आएगा, क्योंकि देखो अगर मैं एक ऑड और ये इवन ले लेता f ऑफ g ऑफ माइनस एक्स बनता। अब g x खुद एक इवन है तो g ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाता, मतलब अभी तो एक्सप्रेशन सेम ही है, मतलब क्या हो गया, इवन हो गया। ठीक है, चलो ये वाला बताओ बच्चों, ये वाला क्या आंसर है एवरीवन? और
देखो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, तो माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स का होल क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब एंड साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस टाइम्स कॉमन ले लूंगा तो एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स जो है वो हमारा एक ऑड फंक्शन। ठीक है, अच्छा सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा ये पहचानना, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। देखो कभी कभी मतलब जैसे तुमको डायरेक्टली ऐसा लग रहा होगा कि एक्सप्रेशन एकदम से पलट गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर तुम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लॉग ऑफ रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा बनेगा। अब देखो मैंने क्या किया कि ये जो लॉग के अंदर वाली चीज है उसको रैशनलाइज कर दिया, किससे, रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से ऊपर नीचे। ठीक है, तो उससे क्या होता, उससे देखो ऊपर जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनता, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बनता, रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ऊपर जो है वो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता, ln वन, ln वन, तो अब लॉग ऑफ ए बाय बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। And ln one itself is what? Zero. F of minus x क्या आ गया? Minus times ln root of one plus x square plus x. मतलब minus times fx. तो इससे हम लोगों को क्या पता चल गया कि fx कैसा function है? Odd function. fx is an odd function. समझे? Yes. Okay. Third example. Fx is equal to x into a raised to x minus 1 whole upon a raised to x plus 1.
तो अलग करूं ऊपर, चलो बचा बताओ बच्चों ये क्या रहा है, इवन फंक्शन, ओके गुड। तो चलो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स बताओ क्या था, माइनस एक्स इंटू ए रेस टू माइनस एक्स माइनस वन होल अपॉन ए रेस टू माइनस एक्स प्लस वन, मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस एक्स वन बाय ए रेस टू एक्स माइनस वन होल अपॉन वन बाय ए रेस टू एक्स प्लस वन। अब देखो एलसीएम वगैरह अगर मैं लेता ये ऐसे बनता माइनस एक्स वन माइनस ए रेस टू एक्स होल अपॉन वन प्लस ए रेस टू एक्स, अब इस माइनस को अंदर भेज देता तो एक्स टाइम्स ए रेस टू एक्स माइनस वन होल अपॉन ए रेस टू एक्स प्लस वन। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, हमारा एफ एक्स के बराबर आ गया। It means fx is what? An even function. fx कैसा function है हमारा? एक even function. समझ में आई बात? Yes sir. चल. अब जैसे next कितना part? Third part हुआ. Let's do fourth part. Fourth part है. fx is equal to x sin x whole upon 2 times gif of x plus 2 pi whole upon pi minus 3। अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया है कि x n pi के बराबर नहीं है, x is not equal to n pi, ये बता दिया गया। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन शो करूं, ये देखो ये है थर्ड क्वेश्चन, डन सर।
चलो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखो इसमें जो है एक जीआईएफ की प्रॉपर्टी लगती है। एक बात ध्यान रखना कि जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस जीआईएफ ऑफ माइनस एक्स ये माइनस वन होता है कब, जब एक्स इंटीजर ना हो, ठीक है, जब अंदर वाली चीज क्या हो, इंटीजर ना हो। और ये जीरो होता है कब, जब एक्स इंटीजर हो, ठीक है। फिर एक और प्रॉपर्टी जीआईएफ की कि जीआईएफ के अंदर अगर कोई इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो इंटीजर क्या कर सकता है, बाहर आ सकता है। मतलब ये कुछ ऐसा बन जाता है जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस आई, ये दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इन दो प्रॉपर्टीज की हेल्प से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो जैसे एफ एक्स ये है, तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स के बारे में लिखता, या एक बार पहले एफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, पहले f ऑफ माइनस एक्स नहीं निकालता, f x को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो ये x sin x 2 टाइम्स gif ऑफ इस पाई को इंडिविजुअली डिवाइड कर देता, x बाय पाई प्लस 2 पाई बाय पाई मतलब 2। ये जो साइन है ये कौन सा साइन है, gif का साइन है इस क्वेश्चन में। अच्छा gif के बाहर 2 तो आ ही सकता है, क्यों, क्योंकि वो इंटीजर है और वो 2 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता, 4। तो x sin x होल अपॉन 2 टाइम्स gif ऑफ x बाय पाई, और जो 4 बनता वो इस माइनस 3 के साथ मिलके 1 बन जाता। इस बात को अग्री करोगे बच्चों कि ये हमारा fx आ गया थोड़ा सिंप्लीफाई होके। अब देखो अगर मैं f ऑफ माइनस x निकालने जाता टू चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड, मैं लिखता माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स 2 होल अपॉन 2 इंटू ऐसे माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स बाय पाई प्लस 1। अब मैंने एक इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में कि x n पाई के बराबर नहीं है, x is not equal to pi। इसका क्या मतलब होता, मतलब होता कि x by pi जो है वो n के बराबर नहीं है, मतलब x by pi खुद एक इंटीजर नहीं है। तो ये वाली चीज जो है वो खुद एक इंटीजर नहीं है। तो अगर अंदर वाली चीज खुद इंटीजर नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, gif of x by pi प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स बाय पाई, ये किसके बराबर होगा बताओ बच्चों। अगर एक्स बाय पाई इंटीजर नहीं है हेलो क्या
हेलो अभी हेलो अभी ठीक है हेलो 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 अभी साउंड आ रही है क्या? यस सर। ओके अभी सबको क्लियर है साउंड? यस सर। तो ओके तो अब देखो ये वाला रिजल्ट जो है हम लोग यूज कर सकते हैं कि जी आई एफ ऑफ एक्स बाय पाई प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स बाय पाई दिस शुड बी व्हाट माइनस वन। क्यों? क्योंकि अंदर वाली चीज जो है वो इंटीजर है नहीं। तो मतलब मैं क्या करता, मैं ऐसा करता कि जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स बाय पाई को माइनस वन माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स बाय पाई लिख लेता। तो देखो ये क्या होता, माइनस एक्स एंड साइन ऑफ माइनस एक्स का एक माइनस बाहर आता तो वो अल्टीमेटली एक्स साइन एक्स बन जाता। फिर ये टू टाइम्स जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स बाय पाई को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस वन माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स बाय पाई प्लस वन मीन्स एक्स साइन एक्स होल अपॉन कुछ ऐसा बन जाता, माइनस टू टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स बाय पाई माइनस वन। मतलब दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस ऑफ x sin x होल अपॉन जी आई एफ ऑफ x बाय पाई प्लस वन, मतलब ये एक तरीके से माइनस एफ एक्स बन गया। दिस इज व्हाट माइनस एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, एफ एक्स विल बी ऑड फंक्शन। ठीक है एक बार देखो, तुम लोग खुद से देखो इसके सॉल्यूशन को, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूं। कितने लोग को समझ में आ गया पूरा प्रॉपर? आर्यन को, प्रणव को, सर क्या हुआ प्रणव? हाँ बोलो सर, लास्ट स्टेप में क्या किया? लास्ट स्टेप दिखाऊं सर, इसमें फंक्शन सेम कैसे है? मतलब फंक्शन सेम कैसे हो गया? देखो एफ एक्स ये था ना हमारा, ये था हमारा एफ एक्स, ये वाली चीज एफ एक्स थी। ओके सर, सर टू, हाँ टू, टू डिनोमिनेटर में नहीं है, नहीं तो टू जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना। ओ सॉरी मैं लिखना भूल गया, टू टू होगा सही, टू यहाँ वाला आएगा, मैं लिखना भूल गया। ओके आई होप तुम लोग को क्लियर है अब कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैसे ये कौन सा पार्ट था, फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है कि अगर f of x plus y is equal to fx plus fy है, ठीक है, f of x plus y is equal to fx plus fy है, then prove that fx is an odd function। क्या प्रूफ करना है, fx is an odd function। ये थोड़ा जो है एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है कि मतलब अगर मेरे को ये प्रूफ करना है कि एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, मतलब मेरे को ये प्रूफ करना चाहिए कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, दिस वी आर सपोज टू प्रूव दैट। अच्छा, मतलब हम लोग को ये प्रूफ करने की जरूरत है कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, ये हम लोग को प्रूफ करने की जरूरत है। ये बात समझ में आई? अब देखो ये जो फंक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे टाइप की चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वी से इट फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है, इसको कहा जाता है फंक्शनल इक्वेशन। तो फंक्शनल इक्वेशन में x और y की जो भी वैल्यू है कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने x को भी जीरो पुट कर दिया और y को भी जीरो पुट कर दिया, उससे क्या होगा, उससे हमारे पास f ऑफ जीरो की वैल्यू आएगी। देखो f ऑफ जीरो इज इक्वल टू f ऑफ जीरो प्लस f ऑफ जीरो, दिस मीन्स टू टाइम्स f ऑफ जीरो इज इक्वल टू f ऑफ जीरो, इसको इधर लेके आ जाएंगे, f ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, चलो इतनी बात तो सामने आई हमारे। अच्छा अब इसमें और क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ताकि ये वाली चीज आ जाए, मैं y को माइनस x सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, y को क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, माइनस x। तो देखो उससे क्या होगा,
ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y एज माइनस x, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x. अच्छा f ऑफ x माइनस x मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x, एंड f ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ, तो 0 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x. इट मीन्स यहां से क्या आ गया, f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f x. ठीक है, तो ये किसके लिए, ये प्रूफ कर दिया कि f x एक ऑड फंक्शन है. ये समझ में आया? बोलो स्टूडेंट्स. यस सर. ओके, अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि f fx is equal to gif of x square upon a into 10 10x plus sec x. ठीक है, अच्छा x बिलोंगिंग टू बोला गया है कि x इज बिलोंगिंग टू माइनस 3 से प्लस 3 है. देन फाइंड रेंज ऑफ a फॉर विच fx इज एन इवन फंक्शन. Then find range of a for which fx is an even function. चलो ये भी थोड़ा एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, तो give it a try.
बोलो बच्चों किसी का हुआ? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन को. देखो फंक्शन पहले से क्या बोल दिया गया है कि ये इवन फंक्शन है. ठीक है, तो इवन फंक्शन की खास बात क्या होती है? एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स सेम होते हैं. अच्छा, इसको देख के अगर तुम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते तो तुम्हारे पास क्या आता? जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए टेन ऑफ माइनस एक्स प्लस सेक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. जब मैं लिखता तो क्या आता? जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए टेन एक्स प्लस सेक एक्स. इतना समझ में आया? अब देखो sec ऑफ माइनस एक्स तो sec x के बराबर होता है तो ये कैंसिल हो जाता. अच्छा, tan ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता? माइनस tan x के बराबर. ठीक है, इसका मतलब अब इसको अगर हम लोग इधर लेके चले गए तो 2 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब कि जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए जीरो होगा. इतनी बात क्लियर है? हेलो, बोलो बच्चों ये चीज समझ में आई? यस सर. यस सर. ओके गुड. अब तुम देखो जैसे एक्स स्क्वायर कहां, एक्स कहां से कहां तक है क्वेश्चन में दिया हुआ है? कि एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे ख्याल से माइनस थ्री से थ्री के बीच में. मतलब एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होता? जीरो से नाइन के बीच में. अग्री करोगे? बोलो एक्स स्क्वायर जीरो से नाइन के बीच में. अब देखो मेरे को इसका जीआईएफ जो है वो जीरो करना है. मेरे को क्या करना है? जी आई एफ जीरो करना है. तो जो ये वाली क्वांटिटी है वो जीरो से नाइन के बीच में और नीचे क्या हो रहा है? ए हो रहा है. सॉरी, और इसका जी आई एफ जीरो है. तो अगर मैं ए को ग्रेटर देन नाइन ले लू, क्या ले लू? ग्रेटर देन नाइन, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है वो हमेशा कैसा होगा? लेस देन वन होगा क्या?
यस सर, ये वाला फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होगा, और वही तो हमको चाहिए कि अगर फ्रैक्शन लेस देन 1 हो गया तो उसका जीआईएफ अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए को कहां से कहां तक होना चाहिए, 9 से इनफिनिटी, ए शुड बी फ्रॉम 9 से इनफिनिटी। ये क्लियर है बच्चों, ये कैसे हुआ ये वाला क्वेश्चन? यस सर, लास्ट स्टेप एक बार वापस बताओ। हाँ, लास्ट स्टेप एक बार वापस बताओ, 9 to 9, लास्ट स्टेप फिर से बताओ। यस, हमारी वॉइस बहुत ही फंबल करती है, मतलब समझ में नहीं आती फिर क्या बोलते। देखो ये जो ये वाली चीज है वो 0 to 9 के बीच में है, एक्स स्क्वायर, इस बात से अग्री करोगे? अब मैं अगर ए तो एक कांस्टेंट है, अगर मैं वो 9 से बड़ा कर दूं, जैसे मान लो ए को अगर मैं ऐसे 9.1 ले लेता, तो ये जो 0 to 9 यहाँ पे कुछ भी हो और नीचे 9.1 होता, तो ये जो भी आउटपुट देता वो बिटवीन 0 and 1 देता। yes, sir. और अगर इसका तुम GIF ले रहे होते, इसका GIF क्या आता, 0 ही आता। yes. तो मेरा एम है GIF को 0 करना, तो इसलिए मैं A को अगर 9 से बड़ा कुछ भी ले लूं तो काम हमारा हो जाएगा। okay, sir. ठीक है, ओके okay. एक और क्वेश्चन कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0, एंड जी एक्स जो है दैट इज एफ एक्स होल अपॉन 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है वेदर जी एक्स इज ऑड और इवन। चलो इसको करो, आइडेंटिफाई वेदर जी एक्स इज ऑड और इवन।
चलो सो अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर तुम देखो तो एफ ऑफ जीरो के बारे में इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है कि मतलब एफ ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये चाह रहा है क्वेश्चन में कि एफ ऑफ जीरो निकालो। एफ ऑफ जीरो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए बताओ, व्हाट शुड वी डू? हाँ, दोनों को जीरो पुट कर दिया, एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इनटू एफ ऑफ जीरो, मतलब एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, मतलब ऐसे कर दिया। तो इससे एक तो एफ ऑफ जीरो जीरो आएगा और एक एफ ऑफ जीरो वन आएगा, ठीक है। अच्छा एफ ऑफ जीरो जीरो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में दे के रखा है, मतलब एफ ऑफ जीरो वन आ रहा होगा। इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? अच्छा अब एफ ऑफ जीरो वन आ रहा है तो मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू का कुछ यूज तो हो रहा होगा ना, ऐसा थोड़ा है कि क्वेश्चन में बस एफ ऑफ जीरो ही पूछा है इन्होंने। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, y की जगह माइनस x पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। इट मीन्स एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स बताओ क्या हो जाता है बच्चों, वन। एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट, वन, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए कुछ काम की हो सकती है। अच्छा एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स वन है, इससे हम लोग को एफ एक्स के बारे में कुछ पता चल रहा है क्या? एनी कमेंट अबाउट एफ एक्स? नहीं, एफ एक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा हम लोग को। तो वैसे भी बाय द वे जी एक्स के बारे में पता करना है, एफ एक्स के बारे में पता करना भी नहीं है। अच्छा जी एक्स वॉज एफ एक्स होल अपॉन वन प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर मैं g ऑफ माइनस एक्स निकालता तो वो क्या बनता, f ऑफ माइनस एक्स होल अपॉन वन प्लस f ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा यहां से f ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते थे, वन अपॉन एफ एक्स। तो यहां से लिख सकते ये वन अपॉन एफ एक्स होल अपॉन वन प्लस वन अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो एलसीएम वगैरह लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद पता क्या बन जाता, एफ एक्स होल अपॉन एफ एक्स के होल स्क्वायर प्लस वन, जो कि अल्टीमेटली क्या हो गया हमारा जी एक्स के बराबर हो गया। सो जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जी एक्स एक even function, we can conclude that gx is an even function।
ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब देखो एक होता है इवन एक्सटेंशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अब इवन एक्सटेंशन ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एफएक्स दे दिया कि एफएक्स इज एक्स स्क्वायर इफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन एंड टू एक्स प्लस थ्री इफ एक्स बिलोंग्स टू वन से टू, ऐसे दे दिए और बोल दिया कि इफ एफएक्स is an even function, क्या बोल दिया कि if fx is an even function then define fx for x less than 0, then define fx for x less than 0। आई बात समझ में? तो अब x less than 0 के लिए fx क्या होगा उसको मैं क्या कहूंगा, ताकि ओवरऑल फंक्शन इवन फंक्शन बन जाए उसको मैं क्या कहूंगा, एफ एक्स का इवन एक्सटेंशन, ठीक है। तो बस एक फॉर्मूला लिख लो कि इवन एक्सटेंशन जो होता है वो होता है एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। इवन एक्सटेंशन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स, और जहां पे एफ एक्स क्या है, जहां पे एफ एक्स जो है ये वाली चीज है, फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। इट मींस जैसे अगर मेरे को फॉर एक्स लेस देन जीरो लिखना होगा और एफ एक्स को इवन बनाना है तो मैं एफ एक्स क्या लिखूंगा, देखो जहां जहां एक्स है ना बस वहां वहां माइनस एक्स पुट कर देना, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। उसके लिए देखो यहां पे इंटरवल जीरो से वन है ना, तो वहां पे इंटरवल क्या कर देना, माइनस वन से जीरो कर देना। फिर यहां पे टू एक्स प्लस थ्री है तो यहां पे एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते तो माइनस टू एक्स प्लस थ्री, और उसके लिए एक्स का इंटरवल क्या कर दोगे, माइनस टू से माइनस वन। समझ में आई बात? तो यही जो है क्या हो गया, इवन एक्सटेंशन हो गया, यही क्या हो गया हमारा, इवन एक्सटेंशन हो गया। तो इवन एक्सटेंशन लिखने के लिए बस एफ ऑफ माइनस एक्स इवेल्युएट करना है और उसी को यहां पर लिख देना, जहां पे एफ एक्स कौन सा फंक्शन होगा, द फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। आई बात समझ में कि इवन एक्सटेंशन कैसे लिखते हैं? अब ऑड एक्सटेंशन, ऑड एक्सटेंशन लिखने का क्या मतलब होता होगा बताओ, what is the meaning of odd extension? कि जैसे मान लो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो x लेस देन जीरो के लिए फंक्शन का क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए ताकि ओवरऑल फंक्शन एक odd फंक्शन बन जाए। समझ में आई बात? सो odd extension के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे इवन एक्सटेंशन के लिए मैंने क्या लिखा कि हम लोग को f ऑफ माइनस x लिखना है, तो odd extension के लिए माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स लिखना है, ठीक है। ऑड एक्सटेंशन के लिए क्या लिखना है, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर फॉर एक्स बिलोंगिंग टू
जीरो से वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू से वन से थ्री. देन फाइंड ऑड एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स. देन फाइंड ऑड एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स. तो मैं ऑड एक्सटेंशन कैसे लिखता? ऑड एक्सटेंशन ऐसे लिखता एफ एक्स इज इक्वल टू. अब देखो हम लोग को क्या करना है, पहले एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना है. मतलब यहां पे जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स लगा देना है. तो माइनस थ्री एक्स प्लस फोर और उसके सामने माइनस साइन लगा देना है. सो माइनस टाइम्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर और यहां पे एक्स का इंटरवल भी उस नेगेटिव टाइप में कन्वर्ट कर देना है माइनस वन से जीरो. वैसे यहां पे माइनस टाइम्स अब इसी का एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो. एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस साइन एक्स और इसका एक्स का इंटरवल क्या हो जाएगा? माइनस थ्री से माइनस वन. मतलब अब माइनस अंदर अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये थ्री एक्स माइनस फोर फॉर एक्स बिलोंगिंग टू माइनस वन से जीरो एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू माइनस थ्री से माइनस वन. यही ऑड एक्सटेंशन हो गया हमारा एफ एक्स का. ठीक है. इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन समझ में आया बच्चों? बोलो सब लोग एक बार कमेंट करो. सर हाँ फोर माइनस फोर में मल्टीप्लाई नहीं होगा? क्या बोल रहे हो सर? माइनस थ्री एक्स प्लस फोर है ना, तो माइनस थ्री एक्स माइनस फोर नहीं होगा? नहीं, ये माइनस पूरा अंदर मल्टीप्लाई किया ना, तो ये ओके सर. ठीक है, तो एक क्वेश्चन बस तुम लोग कर लो इसी के बेसिस पे, इवन एंड ऑड एक्सटेंशन के बेसिस पे. क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू जीरो से टू. Then define fx such that fx is an odd function. Such that क्या? fx is an odd function. Thank you.
चलो बताओ क्या आया फॉर एक्स लेस देन जीरो के लिए? फॉर एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या आया? माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, बस ये याद रखो. ऑड एक्सटेंशन क्या होता है? माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स. और इवन एक्सटेंशन क्या होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स. तो माइनस ऑफ, अब देखो एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. अब इस माइनस को अंदर ले गए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो अब अगर मेरे को फंक्शन डिफाइन करना है पूरा पूरा के पूरा, तो कर सकते हैं. जैसे एक्स अगर माइनस टू से जीरो के बीच में है तो फंक्शन क्या लिखेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. और एक्स अगर जीरो से टू के बीच में है तो फंक्शन क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. वो तो ऑलरेडी गिवन ही है. तो हम लोग ने एफ एक्स को डिफाइन कर दिया सच दैट एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन. अंडरस्टूड? ये बात सबको समझ में आ गई? सारे बच्चों को? सो हमारा इवन एंड ऑड फंक्शन कंप्लीट हो गया. तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं. कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ, उसको एज अ होमवर्क कर लेना, ठीक है? अगर पॉसिबल होगा तो कल जो है एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे फंक्शंस के ऊपर. ओके सर. सर नोट शेयर कर देना. हाँ सर, नोट शेयर कर देना ग्रुप को. हाँ अभी मैं ये नोट शेयर कर देता हूँ. और ऑलमोस्ट प्रॉब्ली शायद एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, उसमें थोड़े फंक्शंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे. चलो गुड बाय. थैंक यू सर. बाय.